सर आप एक बार दोबारा रिपीट कर देंगे? देखो कॉस्ट इसकी 40,000 है जो एसेट हमने बेचा है, जो एसेट हमने जी बेचा है सर, उसकी एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन जितने भी सो फार चार्ज कराई है वो 70,500 है। आ जाएगी इसकी नेट बुक वैल्यू 22,500 है। अच्छा तो मैं एक चीज देखो कि इसकी एनबीवी है 22,500, वेरस जी इसको बेच के मुझे मिले हैं अमाउंट रिसीव कह देता हूँ, चलो अगर कुछ जगह प्रोसीड कवर ड्यूस कर रहा होता है। एक एसेट जिसकी नेट बुक वैल्यू 22,500 है हमारी बैलेंस शीट में, लेकिन वो बेचा गया 16,500 का, तो इस केस जी में नेट बुक अमाउंट रिसीव जो है वो कम है नेट बुक वैल्यू से। जी सर, अमाउंट रिसीव कम है। तो ये लॉस का केस है, लॉजिकली इस तरह लॉस आता है, लॉस आ रहा है। जी याद नहीं एमसीक्यूज वगैरह में काम आता है ये। और अगर वो सिर्फ गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल कहता है बाजू का निकालने को ना, तो वहां तुम स्टेटमेंट बना के भी निकाल सकते हो, वहां टी अकाउंट बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन जब वो डिस्पोजल अकाउंट कहे स्पेसिफिकली, तो फिर टी अकाउंट ही बनाना है, सही है। जी अगर ये अमाउंट जो है ना वो नेट बुक वैल्यू से ज्यादा होती तो गेन हो जाता, क्योंकि जिस एसेट की औकात जो है 22,500 की है वो सपोज करो 30,000 का गया है, तो फिर वो गेन है, सही है। ठीक है सर। अब ये तो हो गया है डिस्पोजल अकाउंट। अब 6 मार्क्स का बनाना है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इसके लिए ना मैंने सबसे आसान चीज पहले एक बताई थी कि पहले क्या करेंगे हम। याद है मैंने इसके थोड़ी टेक्निक्स बताई थी दो तीन, के पहले ये करना है स्टेप में, पे सेकंड स्टेप में ये करना है, तो इस तरह ये इजीली बन जाता है। तो और मैंने सर बताया था। पहले मतलब हाँ हाँ बोलो। प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन अकाउंट में सर पहले मतलब हम जो है ना डेबिट साइड पे पहले वो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन फाइंड करेंगे। नहीं यार ये नहीं था, पहले तो देखो डेप्रिसिएशन कैलकुलेट करनी होगी ना इस साल की, वरना इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट जब तक मेरे पास नहीं होगी तो मैं प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट को कंप्लीट नहीं कर सकता। तो जो डेप्रिसिएशन चार्ज निकालना होता है ना, चार्ज फॉर द ईयर, उसके लिए मैंने एक दो स्टेप्स बताए थे कि पहले इस एसेट पे निकाल लो फिर इन एसेट्स पे निकाल लो, वो याद है कुछ तुम्हें? वो सर वो अज्यूम कॉस्ट एक्स वाला और ये सारा। नहीं, वो हर जगह नहीं करना होता। देखो वहाँ अननोन्स बहुत थे, इसमें इतने अननोन्स का इशू नहीं है। मैंने स्टेप्स बताए थे बिलखसूस कि पहले ये करो फिर वो करो। अब मैं दोबारा रिपीट करूँ, लेकिन भाई खुदा के लिए रिटेन करो उसको। सबसे पहले मैंने ये बताया जी था कि ये जो नया कोई अगर नया नॉन करेंट एसेट लिया है ना, सबसे पहले उसी पे डेप्रिसिएशन निकाल लो। तो ये 50,000 की नई मोटर व्हीकल ली है ना मैंने इस साल, तो जी पहले इस पे डेप्रिसिएशन निकाल लो। 50,000 पे इस पे डेप्रिसिएशन निकालो नए मोटर व्हीकल पे पहले।
हाँ इतना टाइम तो लग रहा है, 15 मिनट में तो सवाल खत्म करना है। 50,000 रुपये नए मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन कितनी होगी, सब तो दिया हुआ है इसमें। इसमें उसने मेथड भी बताया हुआ है डेप्रिसिएशन का, परसेंटेज भी दी हुई है, तो निकाल अभी तक आ जानी चाहिए थी, इतना टाइम क्यों लग रहा है। जी सर, 1 मिनट। कैलकुलेटर रहा कमान। लो उस्ताद ने पता नहीं चलता लाओ। निश्चित ठीक है। हाँ वही दे मिलाओ। दोस्तान तो हुआ है बंदी। सर 12,500। हाँ सही है। तो ये पहला काम तुमने कर लिया कि नए मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन निकाल ली। अब सेकंड स्टेप बताया था कि जो एग्जिस्टिंग या ओल्ड मोटर व्हीकल्स है ना उनपे निकाल दिए। उसके लिए भी मैंने कुछ चीजें बताई थी पिछली क्लास में, करके भी दिखाया था, कुछ याद है? और जी सर दोबारा रिपीट कर सकता? हाँ कर देता हूँ। इसके लिए ये बताया था कि सबसे पहले ना ईयर स्टार्ट या ईयर बिगनिंग पे एनबीवी निकालो ओल्ड मोटर व्हीकल्स की, सही है? उसके कहेंगे ईयर बिगनिंग में कॉस्ट है 1,80,000, उसमें से माइनस करेंगे 1,05,000 का प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन। तो इससे ईयर बिगनिंग में या ईयर स्टार्ट की नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। कितने क्या आंसर है इसका? सर 75,000। ये आ गई ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यू एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल्स की। अच्छा अब जो मैंने ओल्ड मोटर व्हीकल बेची है वो इन पुरानी मोटर व्हीकल्स में से ही बेची होगी ना? ऐसी बात है, जो इस साल मोटर व्हीकल लिए तो इसी साल तो बेच नहीं दूंगा मैं। अब हमें नेटबुक पुराने मोटर व्हीकल्स की वो नेटबुक वैल्यू निकाल देगी जिस पर हमें डेप्रिसिएशन चार्ज करनी। तो इसके लिए मैंने ये बताया था कि जो ईयर स्टार्ट की नेटबुक वैल्यू है ना, इसमें से जो एसेट हमने डिस्पोज ऑफ किया है या जो एसेट मोटर व्हीकल हमने सेल आउट कर दिया उसकी नेटबुक वैल्यू माइनस कर देंगे, जो कि 22,500 थी जो तुमने भी निकाली थी। जी तो ये उन मोटर व्हीकल्स की नेटबुक वैल्यू आती है जो कि अभी भी हमारे यूज में। सर ये 22,500 आपने किस चीज के निकाले? जो मोटर व्हीकल हमने बेची थी ना 0.2 में उसकी नेटबुक वैल्यू 22,500 है। तो मैंने पुरानी नेटबुक वैल्यू, पुरानी मोटर व्हीकल्स की जो नेटबुक वैल्यू है उसमें से उस मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू माइनस कर दी जो कि हम बेच चुके। तो सिर्फ उन एसेट्स की, उन पुराने मोटर व्हीकल्स की नेटबुक वैल्यू बचेगी जो कि अभी भी हमारे इस्तेमाल में है, उस पे डेप्रिसिएशन लगेगा। जी
सर ये 22,500 वो वैल्यू है जो वो हमने 16,17,500 और 16,500 को प्लस करके निकाली थी। नहीं, 40,000 में से 17,500 माइनस करके निकाली थी, जो मोटर व्हीकल बेची थी उसकी कॉस्ट में से उसी की एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन माइनस कर दी थी, तो उस मोटर व्हीकल की नेट बुक वैल्यू 22,500 आई थी। जी सही है। अब ओल्ड मोटर व्हीकल्स पे नेट बुक वैल्यू निकाल दूंगा मैं, डेप्रिसिएशन 52,000, इस पे तुम निकालो बल्कि। जो पुरानी मोटर व्हीकल्स है ना उस पे, अब उस पर ऑब्वियसली नेट बुक वैल्यू पे निकलेगी, डेप्रिसिएशन तो निकालना जरा तुम। सर 18,500 नहीं, तुमने किस के निकाली कैसे डेप्रिसिएशन, ये बता दो ताकि मैं पे करेक्ट करेक्ट तुम्हें बता सकूँ ना। अब सर मैंने ये 52,500 माइनस जो सर वो 17,500 16,500 जो 34,000 आ रहे थे। नहीं ऐसा नहीं करना, जो मैं ऑलरेडी नेट बुक वैल्यू ओल्ड मोटर व्हीकल्स की निकाल चुका हूँ, जो मोटर व्हीकल हमने बेची है ना उसकी नेट बुक वैल्यू मैं माइनस करा चुका हूँ ऊपर, तो अब ये सिर्फ उन मोटर व्हीकल्स की एनपीवी बची है जो कि हमारे यूज में मैंने लिखा भी है, ओल्ड मोटर व्हीकल्स इन यूज, उस पर डायरेक्ट डेप्रिसिएशन लगेगा। जो मोटर व्हीकल्स मेरे पुरानी यूज में है उनकी नेट बुक वैल्यू निकाल चुका हूँ मैं, तो डायरेक्ट अब इसी नेट बुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगी। 17,500 को तो एडजस्ट करेंगे नहीं, 22,500 किया है ना माइनस मैंने ऊपर। तो सर इन पे भी यही 25% पर एनम वाले हाँ ठीक हाँ यही, सब पे, सब मोटर व्हीकल्स पे 25% का रेट लगेगा। सर 13,125 हाँ 13,125 है। फिर मैंने बताया था कि इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट निकालनी है जो चार्ज फॉर द ईयर होती है, जी वन थ्री वन टू फाइव को और इनको ऐड कर लो 12,500 को, तो टोटल डेप्रिसिएशन चार्ज आ जाएगा जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाता है। मैंने निकाल दिया अभी, और ये सब ना लिख लो जरा अपने पास ताकि जी तुम लोग सर आप ये कंप्लीट कर लें फिर मैं आई कर दी, लिखता अभी मैंने कर दिया, टी अकाउंट नहीं बनाया, इसी को नोट कर लो उससे पहले कि टी अकाउंट में जाए हम लोग। जी सर कर रहा हूँ।
सर डन सही है फॉर्मेट भी लिखवाया था उसका प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का इसकी सारी एंट्रीज भी डिस्कस की थी तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाओ जरा तुम सही 5 मिनट है क्योंकि हर वैल्यू तो गिवन है ऑलरेडी और चार्ज फॉर द ईयर हम जो इनकम स्टेटमेंट की फिगर है वो निकाल चुके तो 5 मिनट है तुम्हारे पास को बना लो जरा जी सर और सर ऊपर आप जरा वो वैल्यूज दिखाएंगे हाँ हाँ साम जब तक वलीद ना ये टी अकाउंट बना रहे प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का तुम्हें कुछ चीज़ें मैं रिपीट कर देता हूँ अच्छा तो लास्ट क्लास में पढ़ाया तो वो थोड़ा देखा था घर में बैठ के जी सर डिस्पोजल वाला सारा डिस्पोजल है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन का अकाउंट है जी सर द डायरेक्टर्स ऑफ के लिमिटेड प्रिपेयर फाइनेंशियल स्टेटमेंट टू 31 दिसंबर दे हैव प्रोवाइडेड द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन 1 जनवरी 2019 को मोटर व्हीकल्स की कॉस्ट ये है उसकी प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन इतनी है तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है ये टोटल डेप्रिसिएशन है सही है ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2019 तो उसका ईयर एंड हो रहा है 31 दिसंबर 2019 को अच्छा अगर मेरा ईयर 31 दिसंबर 2019 को एंड हो रहा है और ये मुझे 1 जनवरी 2019 की वैल्यूज दी हुई है तो ये कौन सी वैल्यूज कहलाएंगी जनवरी वाली हमारी ओपनिंग होगी तो गुड तुम इतना तो समझ गए अच्छा अब ये पॉइंट वन पढ़ना जरा A new motor vehicle was acquired for $50,000. Acquired for $50,000. Acquired का मतलब इसमें समझ आ रहे? A new motor vehicle was acquired. खरीदी. सही है बस. तो एक नई motor vehicle खरीदी है. अच्छा फिर point two पढ़ना जरा. The vehicle which had cost $40,000 has been depreciated by $17,500. Was sold for $16,500. Point two में क्या हो रहा है? सर 40,000 की हमारी ओरिजिनल कॉस्ट थी मोटर व्हीकल की जब हमने परचेज की थी और उसकी 17,500 डेप्रिशिएटेड वैल्यू है और उसे हमने जो डिस्पोज ऑफ किया वो 16,500 अब ये ना अब ये लिखी हुई इसकी डेप्रिसिएशन का मेथड लिखा हुआ है तो उसको पढ़ना जरा द कंपनी पॉलिसी द कंपनी पॉलिसी इज टू डेप्रिशिएट मोटर व्हीकल एट 25% पर एनम यूजिंग द रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड और ये पॉलिसी है ये मेथड लिखा हुआ है ये मेथड लिखा हुआ है ये पॉलिसी है उसकी अ फुल ईयर डेप्रिसिएशन इज चार्ज्ड इन द ईयर ऑफ एक्विजिशन एंड नन इन द ईयर ऑफ डिस्पोजल ये मैंने एक्सप्लेन किया था पिछली क्लास में भी और नोट्स पे भी लिखा हुआ है इसका मतलब बता सकते हो थोड़ा मुझे सर इसका मतलब ये जिस साल हमने परचेज करी उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज होगी लेकिन जिस साल हमने बेची उस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हां और चाहे मैंने जनवरी में एसेट खरीदा या चाहे मैं दिसंबर में खरीदूं मैं पूरे साल का अमाउंट चार्ज करूंगा इस पे सही है अच्छा वैसे तो पहले इस पे डेप्रिसिएशन का अकाउंट बनाना है अगर डिस्पोजल अकाउंट ट्राई करना चाहो तो ये 2 मार्क्स का पहले डिस्पोजल अकाउंट बनाना है और मेरे ख्याल से इसमें सब कुछ दिया हुआ उसने जो एसेट हमने बेचा उसके बारे में सब कुछ दिया हुआ है पॉइंट टू में उसने जी सर मैं ट्राई कर लूँगा ट्राई करो मेरे एंट्रीज भी दोबारा चाहो तो रेफर कर लो नोट्स में और फॉर्मेट मैंने टी अकाउंट का लिखवाया था इसका अच्छा जब वो डिस्पोजल अकाउंट कह रहा है ना जैसे यहाँ देखो
तो इसका मतलब मुझे टी अकाउंट ही बनाना है, मैं फिर स्टेटमेंट फॉर्म बना के गेन या लॉस एंड डिस्पोजल नहीं निकाल सकता, मुझे टी अकाउंट हर हाल में बनाना होगा। लेकिन अगर वो ये कहे किसी क्वेश्चन में कहता भी कि सिर्फ आप गेन या लॉस ऑन डिस्पोजल निकाल ले, तो वहां तुम ना सिर्फ कैलकुलेशन करके जान छुड़ा सकते हो, यहाँ तुम्हें टी अकाउंट बनाना होगा। सब बनाए हुए तो जरा ट्राई करना तुम उसको, जो नहीं समझ आएगा वो फिर मैं बता दूंगा। सर ये नहीं बन रहा सर, डिस्पोजल अकाउंट। तुम्हें तो कहा ही नहीं था डिस्पोजल अकाउंट, तुम्हें तो बनवाया बनवा ओ के फॉर्म भर। सॉरी, ये क्या बोलते हैं उसको, प्रोविजन ऑफ डेप्रिसिएशन। हाँ अच्छा सही है, ये हस्ताम भी इस पर पहुंच जाए फिर दोनों को साथ ही बताता हूँ। सही है, जी सर। हस्तांत 5 मिनट है तुम्हारे पास ही डिस्पोजल अकाउंट बनाने के लिए। सही है, अगर जी सर, बस 5 मिनट। कुछ नहीं होगा तो मैं रिपीट कर लूंगा। सर हमारा स्टेटमेंट लॉस में आ रहा है।
आसान हो गया डिस्पोजल अकाउंट? जी सर हो गया। अच्छा भेज देना व्हाट्सएप पे, जरा मैं देख लूं। इसके बाद प्रोसीड करते हैं। हसन लॉस आ रहे हैं, गेन आ रहे हैं? लॉस आ रहे हैं 6000। सही है, बिल्कुल सही निकाला है। लेकिन भेज दो, मैं टी अकाउंट देख के फॉर्मेट देख लूं, क्योंकि उस पे प्रेजेंटेशन मैटर करती है इसलिए। हसन बिल्कुल प्रेजेंटेशन सही है इसकी, चलो गुड है, सही है बिल्कुल। तो तुम्हारे टी अकाउंट में एटलीस्ट प्रॉब्लम नहीं है। अब थोड़ा सा मैं रिपीट कर रहा हूँ, हसन जो है वलीद को भी इसमें हेल्प चाहिए। अब प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाना है, सही है? अब इसके ना एट टाइम्स क्वेश्चन मुश्किल आते हैं, ऑल्दो जो अभी कर रहा हूँ क्वेश्चन तो ईजी है काफ़ी। तो उसमें सबसे पहले ये करना है कि जो नई मोटर व्हीकल है ना, जो 0.1 में खरीदी हमने, सबसे पहले उस पर डेप्रिसिएशन निकाल लो। तो मुझे बता सकते हो कितनी होगी? ये चीज़ें मैंने पिछली क्लास में भी बताई थी, लेकिन तुम उसमें ज़रा ऑफलाइन हो गए थे उस वक्त, तो उसे रिपीट कर रहा हूँ मैं भी। वलीद को भी कन्फ्यूजन थी इनमें थोड़ी। इसमें सारी वैल्यूज कैलकुलेट ना कर पाए तो कम से कम इसका मार्क्स मिल जाएगा अगर क्वेश्चन मुश्किल हो तो। सबसे पहले नई मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन निकालनी है। दूसरा काम मुझे ये करना है कि जो मेरी ओल्ड मोटर व्हीकल्स है ना या एग्जिस्टिंग मोटर व्हीकल्स है, उनकी नेटबुक वैल्यू मैं निकालूंगा ईयर स्टार्ट में या ईयर बिगनिंग में। तो तुम निकाल सकते हो मोटर व्हीकल की नेटबुक वैल्यू 180,000 होगी ना? हाँ स्टार्ट में। नहीं वो कॉस्ट है, 180,000 तो कॉस्ट है। नेटबुक वैल्यू का फॉर्मूला याद है? वो तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन है। एनबीवी निकालने का फॉर्मूला बताया था कैसे आती है नेटबुक वैल्यू, अगर याद हो तो। कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन, कॉस्ट माइनस एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या कॉस्ट माइनस टोटल डेप्रिसिएशन से नेटबुक वैल्यू आ जाती है। तो अगर मुझे ईयर बिगनिंग में नेटबुक वैल्यू निकालनी है पुराने मोटर व्हीकल्स की, तो मैं क्या करूँगा? एक्युमुलेटेड डेप्रिसिएशन या टोटल डेप्रिसिएशन, तो जो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन की वैल्यू दी हुई है ना, वो एक्युमुलेटेड या टोटल डेप्रिसिएशन होती है। सर मैं आपको बता रहा हूं, एक मिनट। हां 37,500। नहीं गलत है, अगर 180,000 में से मैं 105,000 माइनस करूं तो जो ईयर बिगनिंग में कॉस्ट है, ईयर बिगनिंग की प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या accumulated depreciation minus होगी, तो net book value year beginning की आ जाएगी। तो हम motor vehicle की जो cost है जो first January को दी हुई है, उससे हम minus करेंगे provision for depreciation 105,000। हाँ हाँ, cost minus accumulated depreciation is equal to net book value 75,000। सही है 75,000। अब मुझे ये निकालना है कि जो पुरानी मोटर व्हीकल्स है ना, उन मोटर व्हीकल्स की नेटबुक वैल्यू निकालनी जो कि अभी भी मेरे यूज में। अच्छा जो मैंने मोटर व्हीकल इस साल बेची है वो पुराने इस पुरानी मोटर व्हीकल्स में से ही बेची होगी, है ना? जाहिर सी बात है जो इस साल मोटर व्हीकल न्यू खरीदी है उसको तो मैं फ़ौरन इस साल बेच नहीं दूंगा।
जो ये पुरानी मोटर व्हीकल्स फर्स्ट जनवरी में थी इसमें से ही बेची होगी मैंने मोटर व्हीकल जो इस साल बेची है मैंने। हसाम तुमसे बात कर रहा हूँ मैं। जी सर। अब मैं क्या करूँगा कि 75,000 में से ना जो मोटर व्हीकल मैंने बेची है ना या डिस्पोज ऑफ की है उसकी नेटबुक वैल्यू माइनस करूँगा। तो इसकी नेटबुक वैल्यू बता सकते हो जो एसेट मैंने बेचा है डिस्पोज ऑफ किया है। 40,000 नहीं 40,000 कॉस्ट है उसकी, नेटबुक वैल्यू चाहिए मुझे इस मोटर व्हीकल की जो बेची है। सर 22,500। 22,500। अगर मैं 75,000 में से 22,500 माइनस कर दूं, इसमें करना ही होता है कि जो ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यू होती है ना उसमें से अगर मैं डिस्पोज्ड ऑफ नॉन करंट एसेट की नेटबुक वैल्यू माइनस कर दूं तो सिर्फ ऑन मोटर व्हीकल्स की नेटबुक वैल्यू बच जाएगी ओल्ड की जो कि अभी भी मेरे यूज में है। अब मैं इस पे डेप्रिसिएशन चार्ज करूंगा। सेकेंड स्टेप पे डेप्रिसिएशन ऑन ओल्ड MV 52,500 का 25%। तो उसमें करना ये होता है कि पहले तो सबसे जो आसान चीज है ना वो जो नए मोटर व्हीकल खरीदी है ना नया नॉन करंट एसेट है सबसे पहले तो उसमें डेप्रिसिएशन निकाल लो। ये रिड्यूसिंग बैलेंस के लिए बता रहा हूँ मैं क्योंकि बास बास के क्वेश्चन फाड़ू होते हैं। उसके बाद फिर ईयर बिगनिंग की नेटबुक वैल्यू निकाल लेना फिर उसमें से उस एसेट की नेटबुक वैल्यू माइनस करना जो कि बेच दी तो जो एग्जिस्टिंग नॉन करेंट एसेट हमारे यूज में ना उसकी नेटबुक वैल्यू आ जाएगी। उस पर फिर मैं डेप्रिसिएशन चार्ज कर लूंगा तो एग्जिस्टिंग या ओल्ड नॉन करेंट एसेट की ना डेप्रिसिएशन आ जाएगी। अब अगर मुझे इसके बाद में टोटल डेप्रिसिएशन यानी इनकम स्टेटमेंट की टोटल अमाउंट निकालनी है ना जैसे चार्ज फॉर द ईयर कहते हैं नए मोटर व्हीकल की डेप्रिसिएशन ऐड कर लो और पुराने की ऐड कर लो। अब पुराने की और नए की ऐड करेंगे तो टोटल चार्ज फॉर द ईयर आ जाएगा जो कि इनकम स्टेटमेंट में जाता है 25,625 क्योंकि नए मोटर व्हीकल पे भी डेप्रिसिएशन होगी मेरी और पुराने पे ऑब्वियसली होगी। और पुराने में तुम देखो नेटबुक वैल्यू पे डेप्रिसिएशन लगाई है मैंने 52,500 पे अब जिनकी प्रैक्टिस ज्यादा अच्छी होती है ना वो बहुत डायरेक्ट भी कर सकते हैं उनको इतने स्टेप्स करने की जरूरत नहीं है लेकिन इसके क्वेश्चन फालू आते तो हो सकता है सब कुछ ना हो पाए तो इसीलिए ना स्टेप बाय स्टेप इसको करना तो कम से कम कुछ वर्किंग के मार्क्स मिल जाएंगे जो कि मैंने पढ़वाया भी था एग्जाम में रिपोर्ट से कि आंसर सही नहीं है अगर फाइनल तो वर्किंग अगर की भी है तो वर्किंग के कुछ मार्क्स मिल जाते हैं। सही है ये कॉपी कर लो तुम जरा जल्दी ये सब कॉपी करो इसी तरह अप्रोच करना है क्वेश्चंस को। और ये रिड्यूसिंग बैलेंस में स्ट्रेट लाइन में तो हर साल फिक्स डेप्रिसिएशन चार्ज होती है तो उसमें इतने मसले नहीं होते और अक्सर इस तरह बच्चों को फंसाने के लिए यही करते हैं कि रिड्यूसिंग बैलेंस का सवाल देते हैं।
सर हो गया। अच्छा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट तुम ट्राई करना चाहोगे? मैंने एंट्रीज भी इसकी डिस्कस की थी, उसका फॉर्मेट भी। 5 मिनट सब कुछ वैल्यूज तो ऑलरेडी हमारे पास है, तुम ट्राई करो। अगर तुम बना लेते तो फिर जरा तुम ही शेयर कर देना अपना, तो मैं वलीद को भी समझा दूंगा। मैं वलीद बस 5 मिनट रुक जाओ, हसान 5 मिनट है हमारे पास बनाने के लिए। अगर हसान बना लेता है तो यही समझाएगा प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, वरना फिर मैं ही समझाऊंगा ऑब्वियसली।
हसान कुछ कह रहे हो तुम? तो इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू में थोड़ा सा मसला आ रहा था, अभी बना लिया, मैं आपको भेज रहा हूँ, देख लें। एक सेकंड, एक सेकंड। हसान अब बोलना। तो कह रहा था मैं इनकम स्टेटमेंट की वैल्यू में थोड़ा सा मसला आ रहा था। अब वो मैंने अभी निकाल के दिखाई थी ना अपना, अगर हम 13125 को और 12500 को ऐड करें तो 25625 ना चार्ज फॉर द ईयर है जो मैंने निकाल के दिखाया था अभी, ये इनकम स्टेटमेंट में जाएगा। पुराने मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन और नए मोटर व्हीकल्स की डेप्रिसिएशन ऐड करती तो इनकम स्टेटमेंट की अमाउंट आ जाती है। देखते क्या किया है तुमने। बैलेंस सीडी में ना हसाम तुम्हारे मैथमेटिकल एरर है, वरना बाकी सब सही किया है। अच्छा 25625 था ना ये, 25 13125 प्लस 12500 25625 है, 105000 है, 17500 है, सही है सही है, 113125। अब मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, है रे व्हाट्सएप का, ये रोटेट नहीं हो सकता ना। हाँ स्ट्रेट सीधी पिक्चर भेज दो, जैसे रोटेट ना करना पड़े, इसमें रोटेट का ऑप्शन आ नहीं रहा है व्हाट्सएप पे, टेस्ट करके करना पड़ेगा, अभी मैं उसके मूड में नहीं हूँ। हाँ मलिक, तुम्हें समझ नहीं आ रहा था ना ये कि करना कैसे, तो हसाम ने बिल्कुल सही बनाया। हसाम जरा तुम समझाओ वलीद को, वरना फिर मैं समझाऊंगा, अगर तुम नहीं कर पाए, तुम नहीं समझा पाए तो। मैंने तो वो पीछे फॉर्मेट हमने बनाया था उसके थ्रू करा है, इसमें हमने फर्स्ट जनवरी को बैलेंस ब्रॉट फॉरवर्ड किया, वो हमारे जो क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के, कि फर्स्ट जनवरी में सही है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन वैल्यू 105000 थी। उसके बाद हमने थर्ड डिस्पोजल जो रिकॉर्ड किया है वो 31 दिसंबर को हमने जो 40000 का एसेट भेजा है उसमें जो डेप्रिसिएशन हमने चार्ज करी 17500 वो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में हमने रिकॉर्ड करी डिस्पोजल की साइड। सही है।
तो मैंने एंट्री भी भले ही बताई थी। हाँ हाँ, तुम हसाम तुम कंटिन्यू करो, मैं बाद में बोलूंगा। सर इनकम स्टेटमेंट की उसमें आपने जो बताया था, हमने दो डेप्रिसिएशन को हमने जो ऐड किया था, एक जो हमने 12,500 थी और एक 13125 थी, सही है, ये हमने डेप्रिसिएशन को ऐड किया था। बाकी फिर 105 और इनकम स्टेटमेंट की जो डेप्रिसिएशन थी, इनकम स्टेटमेंट में जो हमने वैल्यू रिकॉर्ड की थी, उन दोनों को हमने ऐड कर लिया और डिस्पोजल की जो वैल्यू थी उसे माइनस करके बैलेंस क्रेडिट हो गया। वलीद, अब तुम्हें थोड़ा समझ आ रहा है कि क्या हुआ इसमें प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन के अकाउंट में? जी सर। अच्छा, इसकी ना क्रेडिट नेचर होती है, मैंने पहले भी बताया था कि प्रोविजन के अकाउंट की क्रेडिट नेचर होती है। उसके अलावा ये कॉन्ट्रा अकाउंट है, इसलिए इसकी क्रेडिट नेचर है नॉन करंट एसेट का। तो ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड में ही आएगा 105,000। फिर इनकम स्टेटमेंट की जो अमाउंट होती है ना, वो इनकम स्टेटमेंट में डेबिट होती है, तो यहाँ ऑब्वियसली उसे क्रेडिट करना पड़ेगा, तो इसलिए 25625 या क्रेडिट साइड पे आ रहा है, सही है? Yes, sir. फिर जब वो ऐसे डिस्पोज ऑफ करते हैं ना, तो उसका मैंने बताया था कि उसकी डेप्रिसिएशन बुक से रिमूव करनी होती है। तो प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट क्रेडिट नेचर का होता है, तो वहाँ से डेप्रिसिएशन रिमूव करनी है तो 17,500 को डेबिट करना पड़ेगा, और यही 17,500 पर डिस्पोजल अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, जो कि तुमने भी किया था। और इस अकाउंट में ना हमेशा क्रेडिट साइड बड़ी होगी डेबिट साइड से, क्योंकि ये क्रेडिट नेचर का अकाउंट होता है। तो क्रेडिट साइड के टोटल में से डेबिट साइड का टोटल माइनस कर दो, तो ये 113125 आ जाएगा। ठीक है सर। एक चीज भूल गया। हाँ हाँ पूछो सर, वो जो हमने 12,500 की जो डेप्रिसिएशन वैल्यू निकाली थी, वो हमने किस पे लगाई थी? वो नई मोटर व्हीकल्स पे निकाली थी, जो न्यू मोटर व्हीकल खरीदी है ना इस साल, उस पे निकाली थी मैंने, सही है? तो मेरे से वली तो अभी नोट करने की तो जरूरत नहीं, क्योंकि हसान ने व्हाट्सएप पे भेजा हुआ है, तो तुम वहां से पिक्चर चेक कर सकते हो ये। जी सर। अच्छा, इस मीटिंग का टाइम खत्म हो रहा है, वैसे तो 6 मिनट बाकी है इसके, लेकिन तुम क्लास सब क्वेश्चन के बीच में वर्किंग खराब हो जाती है, तो मैं नई मीटिंग का फॉरन लिंक भेज रहा हूँ, उसे ज्वाइन कर लो तुम दोनों, सही है? अब सर मैं जा सकता हूँ। 5 बजे कब आता ना, 5-10-15 मिनट में, 5 बजे ओवर कर दूंगा मैं, तुम चले जाना। सर 5 बजे एक्चुअली मुझे वहां पहुंचना है सर। चलो सही है, तुम चले जाओ, उसके इसके जैसा ही कुछ सवाल करा रहा हूं मैं, लेक्चर्स देख लूंगा। ठीक है, देख लेना, सही है। चलो शाम में फिर तुम ज्वाइन कर लो, सही है? इसके जैसा ही कुछ क्वेश्चन करा रहा हूं ताकि प्रैक्टिस हो जाए तुम्हारी।